माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं खेल के ऊपर एक सार्थक चर्चा हुई और बड़ी खुशी की बात कि 81 कट मोशंस खेलों के ऊपर लगे, 31 मान्य सदस्यों ने इसके ऊपर अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि आज क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे हैं 81 कट मोशंस लगे, ये हमारे विभाग के लिए बड़ी नई बात थी क्योंकि अक्सर 2-3-4 कट मोशंस लगते थे और खेल विभाग का एक अनदेखा विभाग रह जाता। ये हमारे लिए खुशी की बात तो है ही है, साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इस एक साल में सदन के नेता और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो खेलों के प्रति प्रयास किए, उन प्रयासों की वजह से राजस्थान में खेलों में जो वातावरण बना, ये उस वातावरण बनने का एक प्रमाण है। ये हमारे विभाग के लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, खेल एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि सदन में जितने सदस्य हैं, इस सदन में जितने अधिकारी हैं, सभी लोग बचपन से लेकर बड़े हुए कुछ न कुछ खेल जरूर खेले होंगे और मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि एक समय था जब हमारे प्रदेश में और देश में एक बात बड़ी प्रचलित थी, कुछ सदस्यों ने भी बोला उसको, मैं उसको फिर से कहूंगा ताकि हम देखें और सोचें कि खेलों के प्रति अब हमारे नजरिए को बदलने का समय है। मुझे आज भी याद है तो हमें कहा जाता था कुछ सरकारी नौकरी लग जाएगी कुछ, और एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पर खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ऐसी कहावत उम्र ही नहीं है, सभी लोगों ने सुनी होगी, आपकी देती उम्र ही नहीं है, ब्रैकेट में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल खेलना रुचि की बात है, कोई मैदान पर खेलता है, कोई दिमाग का खेलता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के खेल अपनी अपनी रुचि के हिसाब से हर व्यक्ति खेलता है। लेकिन मैं एक साइंटिफिक बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, सदन को अवगत कराना चाहता हूं, हालांकि काफी लोग जानते होंगे, खेल खेलते वक्त, रनिंग करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन खिलाड़ी कभी सुसाइड नहीं करता, ये किसी ने सुना नहीं हो। उसका मुख्य कारण कि जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, यह हार्मोन स्ट्रेस बस्ट करता है, पेन रिलीव करता है, और इसको आम भाषा के अंदर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, कि जो व्यक्ति रोज खेलेगा उसके अंदर यह हार्मोन सिक्रीट होगा और वो खुश रहेगा। आप और हम किसी भी राजनीतिक ऊंचाई को पा जाएं, किसी भी बड़े पद को पा जाएं, कितना भी पैसा, कितनी भी जमीन पा जाएं, पर अगर हमें खुशी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि कुछ भी पाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। खेलों से यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एंडोर्फिन हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, जो स्ट्रेस बस, पेन रिलीव और हमें खुशी देने का काम करती है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज कई हमारे साथियों ने बात रखी। कृष्णा पुनिया जी ने खेल नीति के बारे में बात करी,
और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिए वो बड़े महत्वपूर्ण सुझाव थे। खेल नीति तकरीबन कंप्लीट है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है और वो काम पूरा करके नई खेल नीति बहुत जल्दी मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और तकरीबन जो पॉइंट्स बड़ी बहन कृष्णा जी ने उठाए, एक खिलाड़ी होने के नाते उनका बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए, 90% उसमें है। बाकी मैं निश्चित रूप से आपके बड़े एक्सपीरियंस का और आपसे पर्सनली मिलकर उसका लाभ उठाऊंगा। एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो अचीवमेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, उनके साथ में नए अपमर्जिंग अपकमिंग खिलाड़ियों का इंट्रैक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए। वो उनके लिए मोटिवेशनल भी होगा और वो उनको आगे आने वाले समय में खेलों में उनके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए भी उनको मदद करेगा। इस सुझाव के लिए आपका धन्यवाद और मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगा। बहुत जल्दी हम लोग इन इंटरेक्शन प्रोग्राम्स को चालू करेंगे विभाग की तरफ से। आपने स्पोर्ट्स इंजरीज और मेडिसिन के बारे में बात कही, हमारा डिपार्टमेंट इसको लेकर बड़ा चिंतित भी है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य में, क्योंकि इसमें काम बाकी है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, हमको अभी हमारे डिपार्टमेंट के पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको डेवलप करने में, इसके ऊपर होमवर्क करने में हमको थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस आइडिया को कंप्लीट करके रिहैबिलिटेशन सेंटर का, जो हमारे अमूल्य खिलाड़ी हैं, वो हमारे प्रदेश की धरोहर है, वो केवल एक खिलाड़ी नहीं है, वो हमारे गर्व का सब्जेक्ट, वो हमारे मान सम्मान का सब्जेक्ट। एक खिलाड़ी जो हजारों घंटे ट्रेनिंग करके खिलाड़ी बनता है, उसके परिवार के लिए, उसके खुद के लिए तो वो एक गर्व की बात है और असेट की तरह उसको अगर हम ट्रीट करेंगे, उसको रिहैबिलिटेशन का मौका मिलेगा, उसकी इंजरी को रिकवर करने का मौका मिलेगा, उसको फिजियो की मदद मिलेगी, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे कि असेट्स की मेंटेनेंस रिपेयर होती है, उसी प्रकार से खिलाड़ी का मेंटेनेंस रिपेयर सही समय से हो जाएगा तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और ज्यादा मेडल लाकर हमें गौरवान्वित कराएंगे। कैलाश त्रिवेदी जी, जो खुद एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे वॉलीबॉल के, उन्होंने भी बड़े अच्छे सुझाव दिए, कोचेस ब्लॉक लेवल पर होने चाहिए। निश्चित रूप से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 60-70% नए कोच जो हम संविदा पर लगाएंगे वो ब्लॉक लेवल पर भी अपनी सुविधाएं देंगे। ऐसी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, ये नहीं कि केवल जिले पर जाकर बैठ गए, ब्लॉक लेवल पर भी उनके जो हुनर का फायदा ग्रामीण बच्चों को मिले, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को मिले, ऐसी व्यवस्था करेंगे। ग्रामीण खेलों के बारे में बताया, ये एक अमूल्य सुझाव था, अभी कुछ विचाराधीन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि भविष्य में हम इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई नीति बनाकर, कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनाकर फुल प्रूफ, ताकि हमारे जो ग्रामीण खेल हैं वो हमारी धरोहर है, जैसे ग्रामीण बिल्डिंग्स हैं, ग्रामीण कल्चर है, ये सब हमारी धरोहर है, तो ग्रामीण खेल भी हमारी धरोहर है। इस धरोहर को बचाने के लिए कहीं हम भूल नहीं जाएं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी ज्यादातर खेल जिनके अंदर बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में होते हैं वो सब हमने विदेशों से अपनाए, केवल कबड्डी हमारा एकमात्र ऐसा खेल जो 31 देश खेलते हैं, कबड्डी एकमात्र हमारा ऐसा खेल है जो विदेशों में अपनी पहचान बना सका है। तो हमारे ग्रामीण खेलों को भी अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में हम उसको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में रखेंगे। एक बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया, ग्रामीण विकास, खेल विभाग और शिक्षा का खेल, शिक्षा के जो खेल विभाग संभालते हैं, इनकी एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम चलाया जाए, बड़ा अच्छा सुझाव, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। मावली से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी जी ने एक बात उठाई कि खेलगांव के अंदर एक स्कूल चल रही है, वो स्कूल खेलगांव की जमीन के ऊपर एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले को किसने दी, इसका खुलासा खेल मंत्री करें। ऐसा उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सरकार के ऊपर छींटा किसी नहीं करना चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य महोदय ने
ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि इस जवाब को देना मेरी मजबूरी हो गई। इस स्कूल को खेल गांव के अंदर जमीन 2004-05 में दी गई और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से वो काम हुआ। तो आप कि 2004-05 में बीच में शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, ये अभी 19 में शुरू हुआ है। वो केवल आपका कॉम्प्लेक्स ऐसे बना जिसमें देश विदेश की जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो उसके लिए बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपकी इस सरकार आने के बाद ये मिर्जा नाम का जो विद्यालय है उसको ये दे दिया केवल किराए के लालच में। ये 2004-05 में दिया गया है, यूआईटी के द्वारा दिया गया है। आप दे तो रद्द कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो इसको। आप दे रहे हैं तो जवाब पूरा सुनेंगे? तकलीफ हो रही है, ये आपका तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। तो नहीं इसको अगर सुनना पड़ेगा, आपको जवाब दे रहा हूं अगर ये सवाल करते हो तो जवाब देने का भी मादा रखो। ये 2004 में दिया है तो ये सदन लेने को तो मत जाना, कर लीजिए आप, कर लीजिए में दिया तय कर लीजिए। और नहीं तो आपने जो सदन को गलत तथ्य पेश किए हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगा, या मैं 2004 में वहां का विधायक था, अगर उसमें दिया हो स्कूल को तो मैं जिम्मेदार, और अगर आप कह रहे हो तो गलत तथ्य जितने भी आपको कागज पकड़ा है ना उसको फिर सावधान कर देना। ये बात भेज दूंगा ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए और आपको किसी प्रकार की सजा देना या इस प्रकार का, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम सब आपके बच्चे बराबर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति का हिस्सा नहीं है कि किसी भी कारण बात में उलझकर किसी वरिष्ठ सदस्य के हम ऐसा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 2.5 करोड़ रुपया मेंबर बनाकर 250 मेंबर बनाए गए, ये बात बिल्कुल सही है। 125 मेंबर 2016-17 में बने, 75,000 रुपए उनसे मेंबरशिप की फीस ली गई। महाराणा प्रताप खेल सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर कराकर और 2017 के अंदर 125 सदस्य 125,000 रुपए फीस लेकर बनाए गए। इस प्रकार से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ और 2016-17 में और 17-18 में किनकी सरकार थी, अगर इसका भी आप विरोध करते हैं, आप इसका भी चैलेंज करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आगे किसी प्रकार का कोई बात अलग है, ये बात अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता कोई। अभी हम लोगों ने स्टेट गेम्स करवाए और इन स्टेट गेम्स के अंदर आजादी के बाद जितने भी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, उन्हें मान सम्मान दिया गया। कुछ सीनियर लोगों की आंखों में आंसू आ गए, वो बोले हमने अपनी सारी जिंदगी खेलों में लगा दी, पहली बार हमारा किसी ने बुलाकर मान सम्मान किया है। तो वरिष्ठ खिलाड़ियों का मान सम्मान करने का काम अशोक जी गहलोत के समय में हुआ है, ये मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं। गणेश गोगरा जी और राजकुमार राउत जी, आपने तीरंदाजी की बात कही, बिल्कुल सही कही। बांसवाड़ा जिले, डूंगरपुर जिले में तीरंदाजी का एक नेचुरल टैलेंट है और निश्चित रूप से आपके जिले में अभी नए उपकरण बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर खरीदे जाएंगे और उसमें से तीरंदाजी का सामान
छांट छांट के ले जाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, ताकि हमारे ट्राइबल बेल्ट के बच्चे, उनमें 75% तो टैलेंट नेचुरल है, केवल 25-30% अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाए और अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, तो वो बच्चे जैसे लिम्बा राम जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया, ट्राइबल के, हमारे ट्राइबल बेल्ट के वो बच्चे भी हमारा नाम रोशन करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बलवान पुनिया जी ने एक बात कही कि मेरे यहां का एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, और मैं बलवान पुनिया जी को एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहां पर कमेंट्री का बहुत अच्छा टैलेंट है, और मुझे लगता है कि सदन के काफी लोग जिन्होंने अगर उनकी कमेंट्री सुनी है तो जरूर मैच बजाएंगे और ये मानेंगे कि उनका कमेंट्री का टैलेंट बहुत नास। तो निश्चित रूप से अगर कमेंट्री के टैलेंट वाले कोई बच्चे हों तो आप हमारे पास भेजिएगा, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ कुछ बातें आई जिनके ऊपर भी मैं जवाब देना चाहता हूं। नीम का थाना के से आने वाले माननीय सदस्य जी ने कहा कि वो स्टेडियम सैंक्शन हो गया, पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेडियम सैंक्शन तो कर दिया लेकिन पैसे देकर नहीं गए। हमने अभी इस वर्ष के अंदर आपकी पहली किस्त निकाल दी और कल मैं आपको लेटर दे दूंगा पूर्व में जो निकाल दूंगा। चुरू जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप के अंदर एक्सरसाइज करवाई जाती है। चुरू, हाँ जिला तो चुरू ही है, ट्रेनिंग कैंप, मैं तो उनसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने वो ट्रेनिंग कैंप खुद अटेंड किया है? किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिराजी माननीय अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, एक सेकंड, माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात समाप्त करें, आप ऐसे नहीं, मैंने उनके ऊपर कोई, अंकित नहीं होगा, बैठिए आप, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने छोटा सा सवाल पैदा कर जवाब दे दिया, ओके थैंक यू, इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात, अपनी बात समाप्त, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उन कैंप्स के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लाठियां दी जाती है, लाठी का प्रयोग या तो भविष्य में मारने के भी काम आ जाती है, आप या कोई मार रहा है तो उसे अपनी क्यों उत्तेजना पैदा करते हो आप? कटमोशन में, मेरे कटमोशन में बोला है साहब, कोई बात नहीं, उसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, मैं खेल पे ही रहना चाहता हूं। भिलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोलते बोलते कुछ बातें अच्छी भी बोली और कुछ बातें ऐसी बोली कि उसका जवाब भी मुझे देना पड़ रहा है कि ओलंपिक मेडल की 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दी, इससे क्या होता है, ये तो ऐसे बातें हैं, ये बातें नहीं है, ये विचार है और ये रोड मैप है। माने सभापति महोदय, ये रोड मैप है, ये टारगेट है जो उन छोटे छोटे बच्चों को दिया गया है, और मुझे विश्वास है कि हमारे राजस्थान में खिलाड़ियों में वो टैलेंट है कि भविष्य में बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लेंगे, सिल्वर मेडल भी लेंगे, और ये रोड मैप जो आज 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ है, इसको प्राप्त करके आगे खेलों का वातावरण बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि खेल विभाग तो केवल क्रिकेट को ही सपोर्ट करता रहता है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिकेट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, खेल विभाग से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेती है, उल्टा माननीय अध्यक्ष महोदय, सालाना 50 लाख रुपए खेल विभाग को दूसरे खेलों को चलाने के लिए देती है, यह मैं उनकी जानकारी के लिए डाल देना चाहता हूं। और हमारे स्टेडियम राजस्थान में बहुत सारी खेल विभाग की स्टेडियम्स हैं, उनके साथ में एमओयू कोई आज नया नहीं हुआ है, सरकार किसी की भी आई
17 साल से 19 साल से उनके साथ में एमओयू होता आ रहा है, लेकिन जिनके बारे में कुछ चर्चाएं चली, जब सब खड़े हो गए और फिर बात को ठंडा करना पड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मत जाइए आप उसमें। लेकिन उनके जमाने में जब पूर्ववर्ती सरकारों का राज था, तब उस खेल स्टेडियम के बदले में, एमओयू के बदले में एक फूटी कौड़ी खेल विभाग को नहीं दी माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं बड़े गर्व के साथ बता देना चाहता हूं कि इस एक साल के अंदर 1,90,00,000 रुपए वही क्रिकेट वाले जिनको ये कोस रहे थे वो हमको दे चुके हैं, और सालाना तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए हम उनसे लेंगे और आने वाले समय में उस पैसे को दूसरे खेलों के उद्धार के लिए लगाएंगे, ताकि क्रिकेट का जो इतना पूरी दुनिया के अंदर नाम है उसका फायदा और खेलों को मिल सके। तो इसके ऊपर मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद बदल जाते हैं। किसी ने कहा है ये, अब मुझे पता नहीं किसी ने कहा है, लेकिन अच्छा कहा, इसलिए मैंने यहां पर बता दिया। अभी तक तो माननीय सदस्य लोगों ने जो बातें उठाई, इतनी जल्दी मेरे को 1.5 साल में पहली बार मौका मिला। माननीय मंत्री महोदय, बिराजी समाप्त करने दीजिए आप उनको, 8-9 बजे तक इंटरव्यू मत करिए। 9 बजे तक। हाँ माननीय मंत्री महोदय समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय 7:30, कोई बात नहीं, आपके आदेश की पालना करूंगा, जल्दी मैं बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी तक तो क्या वो बोल नहीं सकते, जवाब दी बार बार उनको सलाह दे रहे, बोल नहीं सकते क्या वो? तो बोल सकते, बोलने दीजिए फिर उनको, क्यों सलाह दे रहे हो आप बार बार में जी? अच्छा बोल रहे हैं वो, मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि इस एक साल में खेल विभाग ने क्या किया कि ये वातावरण जो बना है उसके नीचे नींव के पत्थर क्या है, वो स्तंभ क्या है। पहला स्तंभ है 2% सरकारी नौकरियों के कानून में अमेंडमेंट। आदरणीय सभापति महोदय, आज से पहले केवल इंडिया लिखी हुई जर्सी वाले बच्चों को तो नौकरी मिलती थी और मेडल लेने वाले बच्चों को नौकरी मिलती थी, लेकिन जिस जर्सी के ऊपर राजस्थान केवल लिखा रहता था उसको कोई नौकरी का प्रावधान नहीं था। यह पहली सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कि जिसने जर्सी के पीछे राजस्थान लिखा होगा उन बच्चों को भी इसके अंदर क्वालिफाई कराया है। साथ ही साथ पैरा के हमारे खिलाड़ी जिनके साथ कुदरत ने ही कोई नाइंसाफी कर दी हो, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके संघर्ष के जज्बे को सलाम करता हूं कि वो दुनिया में बड़े बड़े मेडल लेके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और उन खिलाड़ियों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में 52 विभागों के अंदर 56 विभाग कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल नेशनल्स के और यूनिवर्सिटी नेशनल्स के बच्चे जो मेडल जीतते हैं उन्हें भविष्य में प्रदेश का असेट मानते हुए स्कूल नेशनल्स और यूनिवर्सिटी नेशनल्स के बच्चों को भी इन 2% नौकरी के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया है, ताकि वो 18 साल के होते ही उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाए तो 10 साल 12 साल और वो अपने गेम को परस्यू करें और सेफ रहकर इस गेम को परस्यू करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान का मान सम्मान अद्वितीय बढ़ा देंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने स्टेट गेम्स के लिए हमें बधाई दी, और यही सही तरीका है कि जब कोई अच्छा काम हो तो उसकी बड़ाई होनी भी चाहिए। 2 से 6 जनवरी को हमने 18 खेलों के स्टेट गेम्स कराए माननीय अध्यक्ष महोदय, और मुझे गर्व है ये बताते हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे सभी साथियों की मेहनत है उसमें, मैं अकेला कुछ नहीं हूं।
मुझे ये गर्व है बताते हुए कि राजस्थान भारत में पहला प्रदेश बना है जो स्टेट गेम्स करा पाया है, जिसके अंदर 3,500 बालिकाएं, 4,500 बालक और 1,000 से ऊपर ऑफिशियल्स ने भाग लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि इसके 5 दिन बाद ही जब खेलो इंडिया का आयोजन हुआ, उस आयोजन के अंदर पूर्व में जो हमारे राजस्थान को 44 पदक मिले थे वो संख्या बढ़कर 51 पदक हुई। और संख्या तो बड़ी ही बड़ी माननीय सभापति महोदय, गोल्ड और सिल्वर की संख्या 1.5 गुनी बड़ी। इसका मतलब कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, जो पहले रजत लाए थे वो सिल्वर और गोल्ड लेकर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ इन स्टेट गेम्स की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय। इस साल खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा कि ऐतिहासिक घोषणा, हर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, हरियाणा में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में वैसा होता है, ओडिशा में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में वैसा होता है, उनकी तर्ज पर कोई काम क्यों नहीं करते। पहली बार माननीय अध्यक्ष महोदय ओलंपिक का स्वर्ण पदक की, जो पहले पूर्व में हमारे यहां पर राशि 75 लाख होती थी, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। रजत पदक की राशि जो 50 लाख होती थी उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। कांस्य पदक की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई और राजस्थान को इस राशि के अंदर हरियाणा की टक्कर में खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा राशि पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े मान सम्मान की बात है, गौरव की बात। एशियाड्स के अंदर, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक की 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया, रजत पदक की 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 60 लाख किया गया, कांस्य पदक की 10 लाख की राशि बढ़ाकर 30 लाख किया गया। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने बच्चों की ट्रेवलिंग, रहने खाने की सुविधा के ऊपर भी खेद जताया। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि साल एक फैसले अनेक वाली है जो हमारी सरकार है, इन्हें एक एक तिनके का पता है, बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8,000 बच्चे इस जयपुर में आए पूरे राजस्थान के, 90% बच्चे ग्रामीण परिवेश के थे। एक छोटी सी बात भी हमें बड़ी टेंशन थी, पहली बार करा रहे थे, हमको ये चिंता खाई जा रही थी, 3,500 बच्चे हैं, 4,500 बच्चे सब यूथ अंडर 23 हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, अच्छा कार्यक्रम कराते कराते कोई बात हो जाए। लेकिन इतना सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटी से छोटी घटना, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर हो, चाहे वो रहने खाने से लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के रिजल्ट या आयोजन में किसी प्रकार का विवाद हो, 1% भी उसके अंदर एक सिंगल शिकायत नहीं है। साथ ही साथ जो खेल संघ हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में राष्ट्रीय स्तर की 500 रुपए प्रतिदिन की राशि को बढ़ाकर 1,000 किया, राज्य स्तर की 300 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए को बढ़ाकर 600 किया गया, दुगनी इस राशि को कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में बच्चों को TA DA ट्रेवलिंग, रहने खाने की कोई समस्या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु बिना कुछ भी संभव नहीं। कोई भी खिलाड़ी खिलाड़ी बनता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा, एक छोटा बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी के बराबर है, उस गीली मिट्टी को कोई घड़ा बना सकता है, कोई खिलौना बना सकता है, कोई उसकी ईंट बना सकता है, तो उसको बनाना क्या है, यह गुरु के हाथ में होता है। और गुरु बिना शिष्य का कोई मोल नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा प्रशिक्षण मिले बच्चों को, उसके लिए पिछले बजट कई बार कहते हैं कि बजट की घोषणा था, आपका काम नहीं हुआ। अरे भैया, 6 महीने पहले आया था, 1 साल का भी समय मिला नहीं। मगर ठीक है, आंकड़ों से खेलना हो, जादूगरी की बात करनी हो तो भी कोई बात नहीं। उससे पूर्व में साल के 3 करोड़ रुपए का बजट था कोचेज लगाने का, पिछले बजट में 3 से 5 किया और इस बजट में सीधा 5 से 10 कर दिया, ताकि राजस्थान के खिलाड़ियों को, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, ज्यादा से ज्यादा गुरु उपलब्ध हो और उन बच्चों का, खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके तहत 500 खेल प्रशिक्षक आने वाले साल में लगेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी
इसके अलावा आपने देखा कि शनिवार को नो बैग डे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, छोटे छोटे बच्चों की चेहरों पर आप मुस्कान देखो, अब शनिवार को जाते हैं खुश होकर जाते हैं, उस मुस्कान का कोई मोल नहीं है देख जी, वो दुआएं लगेंगी और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी देखेंगे, उनकी भी बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक फैसला और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी बजट में घोषणा करी, स्टेडियम, खेल मैदान, क्रीड़ा संकुल के लिए यदि कोई निजी संस्था उनको बढ़ावा देगी तो उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आए और खेलों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे प्रदेश के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले और हमारे यहां पर खिलाड़ी तैयार हो। यह ऐतिहासिक फैसला होगा माननीय सभापति महोदय कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ी ये भू परिवर्तन, कहने को तो भू परिवर्तन लगता है लेकिन बुखार आ जाता है परिवर्तन के नाम से। कुछ माननीय सदस्य बड़े जोर शोर से कह रहे थे खेलो इंडिया से वो हो गया, खेलो इंडिया से ये हो गया। निश्चित रूप से खेलो इंडिया से जो खेलो इंडिया का जो आयोजन है वो टूर्नामेंट तो बहुत शानदार है माननीय सभापति महोदय, मैं उसकी बिल्कुल बढ़ाई करने में कमी नहीं रखूंगा, बहुत अच्छा आयोजन है, लेकिन मानसिकता देखिए कि 17-18 में विकास कार्य हेतु 51,90,00,000 रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए, 18-19 में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो जीरो स्वीकृति आई और 19-20 में मात्र 7,98,00,000 रुपए की स्वीकृति आई, दो साल में जीरो और 7.98, जहां की उससे जस्ट पहले वाले साल में 51,90,00,000 थी। कुछ लोग हमारे साथियों ने कहा कि खेलों को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष में बैठे हमारे जो सदस्य हैं जिनकी केंद्र में सरकार है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप सच्चे खेल प्रेमी हैं और यदि आज सदन में आपने जो कुछ कहा वो दर्द आपके दिल में खिलाड़ियों के लिए, तो इस राशि को जीरो से और 7-8 करोड़ से बढ़ाकर केंद्र सरकार से आपके नेताओं से आप बात करें, मुझे चलना होगा, मैं खुद चलूंगा, प्रपोजल्स हमारे पास में तैयार है, इसको वापस बढ़ाकर कम से कम पूर्व के बराबर 52 करोड़ तो किया जाए, ये मैं आशा करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे और प्रदेश के भले के लिए यदि ये काम करना पड़े तो मुझे लगता है कि आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें, बस हो गया साहब, ज्यादा नहीं बचा। माननीय सभापति महोदय, यूथ हॉस्टल की बात भी आई, निश्चित रूप से यूथ हॉस्टल का फायदा हमारे प्रदेश के यूथ को मिलता है। राजस्थान में 4 जिलों में यूथ हॉस्टल संचालित है, जयपुर, जोधपुर। यूथ हॉस्टल की जमीन तो प्रदेश सरकार आवंटित करती है लेकिन आज तक जो भी यूथ हॉस्टल बने हैं उनका पैसा केंद्र सरकार ने ही दिया है, ऐसी प्रथा चलती आ रही। 2012-13 में हमारी सरकार ने 9 जिलों में यूथ हॉस्टल के लिए जमीन आवंटन करी, 13 में उसके बाद हमारी केंद्र से सरकार चली गई। इन 6 सालों में माननीय सभापति महोदय, इन 9 में से एक भी यूथ हॉस्टल का पैसा केंद्र से हमारे पास में नहीं आया, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे मुझे आगे मदद नहीं मिले, तो मैं तो विपक्ष के जो हमारे साथी और वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक बच्चे के रूप में आग्रह करूंगा कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरे साथ चलें और ये यूथ हॉस्टल भी केंद्र सरकार से हमें दिलाएं, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन सभापति महोदय, एक विशेष बात मैं करना चाहता हूं,
बहुत साथियों ने कहा कि पूर्व में 70 लाख का बजट था, 50 लाख है, ये 70 लाख से 50 लाख से क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात, अगर ऐसे सुने तो 70 लाख 50 लाख से कुछ भी नहीं होगा, प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों में जनसंख्या। लेकिन मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए कि 23वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी जनवरी में हुआ, 12 से 16 जनवरी में 88 सदस्य दल हमारे राजस्थान से गया, 18 सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुई जिसमें पूरे देश से बच्चे आए थे, युवा आए थे, 18 में से 9 प्रतियोगिताओं में पदक राजस्थान के युवाओं ने हासिल किया। माननीय बड़े गर्व की बात, बिना साधन के भी हमारे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के कर्मचारी साथी किस प्रकार से लगे हुए हैं, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म ही करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में, क्योंकि जब हम इस साल के बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक भविष्य का रोड मैप अभी से तैयार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बजट किसके लिए मांगेंगे। जब हमारे पास में प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, नीतियां तैयार होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के खेलों का ये जो बजट में पीछे रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग खेल नीति की बात मैंने पूर्व में बताई कि बहुत जल्दी खेल नीति में जो संशोधन करने हैं, बहुत छोटे संशोधन हैं, उन्हें करके, हालांकि अच्छा संशोधन करने के लिए विरोध भी हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन खिलाड़ियों का भला होना चाहिए, ऐसा संशोधन करके हम लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में मैंने माननीय सदस्य के जवाब देते हुए बताया कि हमारी इसके ऊपर होमवर्क चल रहा है, ये एक साइंस का सब्जेक्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ज्यादा जल्दबाजी करने से हम एक अपंग सेटअप तैयार नहीं करना चाहते हैं, हम एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर भविष्य में तैयार करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के सुझाव जो मुझे मिले, उस सुझाव से जो आदरणीय साड़ा रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो खुद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है, आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ियों की टेक्निक को सुधारने के लिए जूनियर, ताकि बचपन में जब बच्चा खेलना सीखता है तभी उसकी अगर टेक्निक फुल प्रूफ हो जाएगी, चाहे वो खेल कोई सा भी होगा, तो भविष्य में जाकर उस खिलाड़ी को कभी समस्या नहीं आएगी, उसको इंजरी नहीं होगी और उसका फुल आउटकम निकलेगा, उसकी मेहनत के जो है पूरा नतीजा निकलेगा। ऐसे कैंप्स हम भविष्य में आयोजित करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्पेशल बैचेस बनाएंगे, एशियाड्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स के जो टूर्नामेंट आने वाले हैं, उसमें वो कौन से बच्चे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा भविष्य में फिनिशिंग का काम किया जाए, स्ट्रेंथनिंग का काम किया जाए, टेक्निक इंप्रूवमेंट का काम किया जाए, या मोटिवेशन का काम किया जाए कि वो उस मेडल के आसपास पहुंच जाए या मेडल लेकर आ जाए, उनके लिए स्पेशल बैचेस हम बनाएंगे, विशेष उनका ध्यान रखकर, ताकि आने वाले समय में वो उस बैच के बच्चे उन प्रतियोगिताओं के अंदर मेडल जीते और ये इनाम राशि लेकर हमें गौरवान्वित महसूस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स स्कूल के ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, इस साल हम इसका काम पूरा करके बहुत जल्दी स्पोर्ट्स स्कूल, क्योंकि खिलाड़ी कोई भी खेल खेले माननीय अध्यक्ष महोदय, उस खेल की पर्टिकुलर मसल्स होती हैं, यदि वो मसल्स उसकी स्ट्रांग हैं तो वो खिलाड़ी उस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यदि हर खेल की सपोर्टिंग मसल्स भी होती है माननीय सभापति महोदय, यदि वो सपोर्टिंग मसल्स उसकी स्ट्रांग है तो उस खेल के अंदर उसका ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। लेकिन मसल मेकिंग का काम कब होता है, हम ध्यान कब देते हैं, 18-20 साल के बाद, 20-22 साल में तो 90% खेलों में खिलाड़ी पीक कर जाते हैं,
24, 25, 26 के बाद में ढलान पर आ जाते हैं। तो जब बोन स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल क्वालिटी डेवलप हो रही है, स्किन क्वालिटी डेवलप हो रही है, वो उम्र है 8 से 18। उसीलिए भविष्य में हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स स्कूल हो, ताकि 8-9 साल की उम्र में बच्चा स्पेशली स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर आ जाए, उसका करिकुलम भी स्पोर्ट्स सपोर्टिव होना चाहिए। यदि एक बच्चे को 7 घंटे पढ़ाएंगे, 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाएंगे, 10 घंटे वो एजुकेशन लेगा, तो वो एकेडमिक्स में तो अच्छा कर सकता है, लेकिन खेलों में अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए खेलों के हिसाब से उसका जो है करिकुलम बने, ऐसी व्यवस्था हम लोग भविष्य में लेकर आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी एक नीति हम लाने वाले, मानिए कि हो सकता है कि सब ठीक रहा तो इस सदन के चलते चलते उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। चुरू से आने वाली माननीय सदस्य ने, चुरू जिले में से आती हैं, राजगढ़ विधानसभा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणा में तो खिलाड़ी मेडल जीतते ही डीएसपी बन जाता, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाता। ये बिल्कुल सही बात है माननीय देशमुख, और इसके ऊपर इस 6-8 महीने में हमारे डिपार्टमेंट के सब अधिकारियों ने, लोगों ने, दूसरे डिपार्टमेंट से भी हमें सपोर्ट मिला, बड़ी भरसक चर्चा हुई, पॉलिसी तैयार हुई। उसके सारे बिंदु तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो पॉलिसी बन जाए उसके बाद की बात है, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने आएगी कि हमारे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियाड्स में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीतते हैं, उनको सीधी नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। यह नीति माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, 2016 में आ गई थी आउट ऑफ टर्न के नाम से, लेकिन एक ऐसी नीति पूर्ववर्ती सरकार ने बना दी कि 2016 से अभी तक एक सिंगल खिलाड़ी को उसके अंदर नौकरी नहीं मिली। ऐसा कागज का पुलिंदा क्यों बनाना कि जिसमें खिलाड़ी को कोई फायदा नहीं हो? क्यों ऐसी फाइल तैयार करी, मैं तो पूछना चाहता हूं। हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, और मैं दावा कर रहा हूं इस सदन के सामने कि अमेंडमेंट होकर 10 से 15 दिन के अंदर जिस दिन उसके रिलीज होगी, उस दिन मैं 10-12 खिलाड़ी खड़े कर दूंगा जो सीधा नौकरी हासिल करने के लायक होंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार केवल सपने नहीं दिखाती, उन्हें पूरा करने का मादा रखती है। माननीय सभापति महोदय, एक और विशेष प्रावधान उसके अंदर हमने किया है कि खिलाड़ी, राजस्थान का खिलाड़ी, पहले तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने के ऊपर सर पर चढ़ा देते हैं, इतना उसका मान सम्मान करते हैं, और नौकरी के लिए फिर वो किसी दफ्तर में भागा भागा फिरेगा नहीं, बिना वैकेंसी के वो जो डिजर्विंग पोस्ट होगी वो उसको मिलेगी, और जब वैकेंसी आएगी तो उसको प्री कंज्यूम्ड मान लिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी राजस्थान सरकार बना रही है, और ये देश में पहली पॉलिसी होगी, दूसरे प्रदेश इस पॉलिसी को लेकर जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूथ बोर्ड के अंदर पैसा कम, दुनिया में आगे निकलते हैं। इसके ऊपर केवल 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 24 पारित की जाए।